तो कहते हैं संध्या जागरण को चल जाई, कूड़ कपट भाके नहीं भाई, सत्य साहिब की आवाज कराई। जागरण करे प्रेम लिव लावे, सुरत नृत्य से ध्यान लगावे, पूनम प्रभा स्नान कराई, उज्जवल श्वेत वस्त्र पहराई, कूड़ कपट भाके नहीं भाई, सत साहिब की आवाज कराई। एक बार सुमिरे निज नामा, कहे कबीर नहीं हमसे कामा। बहुत बड़ी बात कह दी साहेब ने। अब ये हरेक मंच से आपको इसके बारे में आपको बोध नहीं मिलेगा। यहां ये कहा गया है कि जिंदगी में आपने एक नाम ले लिया, जैसा साहेब कह रहे हैं, एक सेकंड के लिए, तो आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। और ऐसा नाम समझने के लिए आपको युक्ति करनी पड़ेगी, संतों का संग करना पड़ता है, वही अनुभव और भजन करने वाले, तो आपको उस नाम की गति समझा देते हैं। जैसे साइकिल चलाने वाला सोज जाएगा जो 20 किलोमीटर है, तो उसको एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा लग जाता है। एक घंटा तो समझ लो, पर इस गाड़ी से जाएंगे तो मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। और इसी तरह जैसे हवाई जहाज होता है, एक घंटा में 800 किलोमीटर जाता है, कितना? हाँ, एक घंटा 800 किलोमीटर। और जो और भी गति बढ़ाने वाले यंत्र वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, जैसे ध्वनि है, देखो ऐसे बोला, इसको फैलते हुए समय लगी क्या? नहीं लगी। कितना सेकंड लगा? ऐसे ही ध्वनि यंत्र भी बनाए वैज्ञानिकों, वो ध्वनि की गति से भागते हैं बहुत तेज। पर वैज्ञानिक मन का पार नहीं पाए। किसका? वो मन इतना गतिशील है कि उनके सारे यंत्र फेल हो गए। मंत्र इतना गतिशील है, पर उससे ज्यादा आपकी सुरती गतिशील है, आपकी आत्मा की सुरत। शैतान तो आप ही हो, परंतु मन अपनी शैतानी करके आपको एक पिंजड़ा में बंद कर दिया है। बस यही बात है, आत्मा से शैतान मन नहीं है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आत्मा को मार सके, परंतु वो फंसा जरूर देता है, अड़ुजा जरूर देता है। इसलिए हमारा कभी नाश नहीं होगा, शरीर छूट जाएगा, फिर भी आत्मा का कभी नाश किसी शास्त्र ने नहीं बताया। आत्मा अमर है, किसी का नाश नहीं होता, आत्माओं का नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सत्य की अंश है। आत्मा का नाश और परमात्मा का नाश कभी नहीं होता, इसलिए हम मौजूद रहेंगे। ये औजूद भले ही ना रहे, पर आत्मा मौजूद रहेगी, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी। परंतु जिस आत्मा ने गुरु का शब्द पहचान लिया, वो आत्मा अपने देश को चली जाएगी, और जिस आत्मा ने शब्द नहीं पहचाना, तो वो आत्मा यम यम व्यापी स्मरण भाव तजवंतिम कलेवरम तम तम कौनते ही तद्भाव भावता। मरते समय जिसका चिंतन करके शरीर छोड़ेंगे, उसी में फंस जाएंगे। एक गुरुजी थे, अपने शिष्य को कहे कि देखो, मैं जब शरीर छोड़ूंगा तो आसमान से अपना आप बाजा बजेगा, क्योंकि वो रोज अभ्यास करते थे, सुमिरन करते थे, अभ्यासी पुरुष ही कह सकता है। तो वो शिष्य बोले कि हमारे गुरुजी जब शरीर छोड़ेंगे तो आसमान में बाजा बजेगा। तो वो सब इसी में थे, पहले आसमान में बाजा बजेगा तभी गुरुजी शरीर छोड़ेंगे, पहले तो छोड़ेंगे,
शिष्य भी गुरु जी बाट ही देख रहे थे गुरु जी कब शरीर छोड़े। तो गुरु जी ने कहा शिष्य को, इधर आओ, मुझे मेरा जो आसन है वो एक बैर का वृक्ष है बोर का, उसके नीचे ले लो। अब बोर के नीचे आसन लगा दिया। गुरु जी कहे कि बोर तो बोड़ी के बहुत अच्छे हैं, वो सबसे ऊंचा जो बोर है कोई शिष्य आके मुझे खिला दे तो आनंद है। तो श्रुति भटकी ना, अब वो बोर कौन खिलाएगा? अब शिष्य आवे नहीं आवे घर, अपना शिष्य कभी ढोलक बजावे नहीं बजावे, पेटी बजावे नहीं बजावे, शिष्य आवे नहीं आवे, ये कोई जब शिष्य की मर्जी का खेल है। अब शिष्य कोई जल्दी आया नहीं, वो बीमार पड़ गए और उसकी श्रुति कहाँ रह रही? बोर। तो कोई गुरुजी हो शिष्य हो कोई हो, श्रुति शब्द का खेल है, पार होना है तो इसको समझो। अब उनकी श्रुति रह रही बोर में और इधर समय पूरा हो गया, श्वास खत्म हो रहे हैं, हैं? मन में इच्छा लेके मर गए कि वो बोर खाना था, वो फल खाना था, ये सबसे बड़ी गड़बड़ होगी। अब जैसे ही शरीर छूटा, शिष्यों ने ले जा करके सब क्रियाक्रम कर दिया, एक बात है सब मिलके कहे कि गुरु जी झूठ तो नहीं बोलते थे, पर गुरु जी का शरीर छूटने के पहले बाजे क्यों नहीं बजे, बाजे क्यों नहीं बजे? तो गुरु जी झूठ तो नहीं बोलते थे पर बाजे क्यों नहीं बजे? तो कोई उनसे बड़े जो भजनानंदी थे उनके पास जाकर के बोले, हमारे गुरु जी ऐसा कहते थे बाजे क्यों नहीं बजे? तो उन्होंने कहा कि उनकी श्रुति जो है चुक गई, शरीर छोड़ते समय श्रुति चुक गई। आप सुई में डोरा पो तो आपकी श्रुति चुके तो जल्दी थोड़ी पोया जाता है। तो उनकी श्रुति चुक गई, बस बाजा तो अभी भी बजेंगे, पर भजन करके ये मालूम करना पड़ेगा कि अभी आपके गुरु जी है कहाँ। ये तो आप है ना, ये मालूम करो कि हमारे गुरु जी है कहाँ। तो उन्होंने भजन किया, उन्होंने भी, और भजन करके तीसरे नेत्र को खोल करके और देख लिया कि अभी इनके गुरु जी कहाँ जन्म लिए हैं। तो उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे गुरु जी का निवास एक बैर के नीचे था और वो बोर में उनकी श्रुति रह गई, भला आदमी तुम पहले आते तो ठीक रहता, अब तुम जाओ और जोर से उस बोर को नीचे गिराओ, गिराते ही तुम्हारे गुरु जी की मुक्ति और अभी बाजा बजेगा। तो जैसे ही वो शिष्य वहां गए और जा करके जो बैर थे सारे गिरा दिए कि अब इनको रखना क्या है, इन्हीं में गुरु जी होंगे कहीं कहीं, तो सारे बैर नीचे गिराए और वो जिस बोर के अंदर उनकी श्रुति थी वो बोर जैसे ही पत्थर के ऊपर नीचे जमीन के ऊपर गिरता ही वो शरीर उनका लट बन गए, वो शरीर छूट गया। छूटते ही फिर बाजा बजे और सबने सुना कि वो बाजा बज रहे हैं। इसलिए ये श्रुति शब्द का खेल है, श्रुति शब्द को जिसने नहीं समझा, निरति को नहीं समझा, तो मानव संसार में आने का कोई फल नहीं मिला, अपने आप का बोध नहीं होगा। कबीर साहब बार बार इसीलिए समझाने के लिए अनेक कथा कहते हैं कि आप अपने आप को समझ लो, शब्द को समझ लो, आने जाने वाले आप, यात्रा आपको करनी है। तो कहते हैं, संध्या जागरण को चल जाई, पान प्रसाद साहिब को चढ़ाई, जो जीवों की शक्ति न होई पान प्रसाद भेजवे सोई। ये तो नियम बता रहे हैं, जैसे आप गुरुमुखी बन जाते, आश्रम से बन जाते कहीं भी, तो वहां आप जाया करो गुरु जी के चरणों में और पान प्रसाद भेज दिया करो, जो नहीं जा सको गुरुमुखी, नियम रखो।
सो सतगुरु अर्पण कर ले, दया मांग पुण्य आपी दे, दिन भोजन नहीं कीजे भाई, रात्रि भोजन भोग लगाई, उज्जवल तंदुर दूध में धरिए खीर खांड का। अच्छा, भोजन करना वो वाला भोजन नहीं करना जिसे नींद आए, सूक्ष्म। पीछे साहेब को भोग लगाए, धूप दीप ने जहाद कराए, सूर्य लगन में भोजन कीजिए, चंद्र लगन में ध्यान धरीजिए। सूर्य लगन को समझ लें, राइट साइड में जो श्वास चलता है उसको सूर्य लगन कहते हैं, और लेफ्ट में चलता है उसको चंद्र लगन कहते हैं, बीच में चलता है तो मध्य में उसको सुषमना कहते हैं। सूर्य लगन में भोजन कीजिए, चंद्र लगन में ध्यान धरीजिए। चौदस लगन पूनम सुखदाई, पड़िवा लगन करो मत भाई। वो तो मैंने पहले ही बैठते ही बताई थी बात कि पड़वा मतलब एकम होती है, पूर्णिमा करो 40-32 घड़ी की पूनम करो, और लास्ट पूनम के दिन अगर पूनम का घड़ी नहीं है तो करने से विशेष फायदा नहीं है। घड़ी 32 के 40 लई, पड़िवा घड़ी आवन दई, पूनम माही पालना कीजिए, पड़िवा वेद कबूने लीजिए, पूनम थोड़ी घड़ी रही तब 14 में व्रत कराई, चार पहर जो जा चार पहर जो बन नहीं आवे तो अर्ध रात लो जागरण करावे। आधा माही पहर बताऊं, पहर माही जो घड़ी ठहराऊं, क्षण मात्र जो जागरण करावे ताको पाप भसम हो जावे। हो में अग्नि काष्ट की नाई, सकल पाप तुरंत मिट जाई, पूनम व्रत जागरण ने करी, व्रत संपूर्ण ने अनुसरी। जागरण सत्संग कीर्तन कथा पूनम के दिन होनी ही चाहिए, तो ही आपका पूनम अच्छा होगा। जागरण कहो कौन को कहिए, ताको वेद सकल सुन लही। अब यहाँ दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ, भाई जागरण किसे कहते हैं, सत्संग किसे कहते हैं? तो आज हम आपको इतना ही समझा पाएंगे क्योंकि हमें भी दूसरी जगह बुलाए हुए हैं सोजे सिटी में। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल जय करो, बोल सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, बोल जय करुणा में सत्य नाम, बोल जय करुणा में, बोल सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम, बोले सतगुरु कबीर साहेब की। राई कोई साधु की संगति पाई, चर सुफल होई रे कमाई, कोई साधु की संगति पाई, जाकी सफल हुई कमाई।